चुके ने असी उन्हां दा इत्थे पहुंचण ते तहे दिलों स्वागत करते हाँ। हुण मैं कैबिनेट मिनिस्टर साहिबान नूं बेनती करांगा कि वह सांझे रूप दे विच मुख मेहमान जी नूं बुके दे के उन्हां दा स्वागत करन। हुण कैबिनेट मिनिस्टर साहब बुके दे के मुख मेहमान जी का स्वागत करनगे। ताड़ियां दे नाल स्वागत किया जाए सारिआं नूं सांझे रूप दे विच स्वागत करन। असीं दसना चाहुंदे हाँ कि मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई दे विच पंजाब सरकार ने पिछले लगभग पौने दो सालों के समय दौरान 37,000 तो वध सूबे के योग नौजवानों नूं पारदर्शी ढंग दे नाल सरकारी नौकरियां मुहैया करवाईआं ने। नौकरियां दा यह सिलसिला लगातार जारी है। अज मुख मेहमान जी स्थानक सरकारां PSPCL प्रदूषण पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड उचेरी सिक्ख्या विभाग माल विभाग ते खेड विभाग दे उम्मीदवारां नूं नियुक्ति पत्र देणगे। हुण मैं कैबिनेट मंत्री श्री ब्रह्म शंकर जिंपा साहब नूं बेनती करदा कि वह CM साहब का स्वागत करन। मानयोग पंजाब दे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान जिहड़ा अज नियुक्ति पत्र वंड समारोह रख्या गया है। सो पहला भी ये गल चली है भी इस हाल का जिहड़ा ना ही नियुक्ति पत्र हाल रख्या जावे। सो ये मुख्यमंत्री जी तुहाडी योग्या अगवाई दे विच जिहड़ा इन्हां बच्चों अज आपां नियुक्ति पत्र देन जा रहे हैं। मैं सिर्फ माल महकमे की गल करांगा। पिछले दिनी एक नायब तहसीलदार लड़की नूं जदों आपां नियुक्ति पत्र दिता तां उह हुशियारपुर शहर नूं बिलोंग करदी सी और उस तों बाद नियुक्ति पत्र देन तों बाद अपने पिता जी नूं नाल लैके आई मेरे कोल मेरे घर। तुहाडा धन्नवाद करन उहदा सारा परिवार नाल सी उहदे रिश्तेदार नाल सीगे उहनां ने उह एक मोटर मकैनिक है उहनां दे फादर। सो उन्होंने सारे परिवार ने आके गल कही है भी अगर असी सोचते होंगे सी असी साडा बच्चा कोई अच्छा ऑफिसर बने और अगर ये सपना साकार होया तो असी धन्नवाद करते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान का और आम आदमी पार्टी का। सो एक बड़ी गल सी और दूजी विशेष गल जी है मैं तुहानू दसनी चाहना भी 89 तो बाद जिहड़ियां तुसीं पटवारियों दी भर्तियां दे लई FCR साहब नूं निर्देश दिता उहदे करके ये तकरीबन 35-34 सालों बाद है भी ये जिहड़ी सरकार होएगी पहली बार है जिहड़े सारे पटवार सर्कल जिहड़े है उहनां दे पटवारी भर्ती हो गए। पहली सरकार होगी 35 सालों बाद जाके क्योंकि और इदां बहुत सारियां एग्जाम्पल्स है। जदों साडा जिहड़ा ये विधानसभा का इजलास सीगा उहदे विच सर तुसीं 3 बिल जिहड़े है माल विभाग वालों पेश किए गए जिहड़े कि पंजाब के खजाने लई बिना लोगों के भार पाया पंजाब की माली हालत को सुधारन दे लई जिहड़े तुसीं बिल विशेष अपनी लीडरशिप पेश कराए है उहदे नाल जिथे पंजाब के खजाने का फायदा होएगा उत्थे उत्थों बहुत सारिया सहूलत जिहड़ियां उस खजाने तो ऑलरेडी तुहाडे राहीं जिहड़ियां जा रही चाहे मुख्यमंत्री यात्रा धार्मिक यात्रा स्कीम होवे। सो ये बहुत सारे हरेक लोग धन्यवाद कर जिस दिन का तुम 27 तरीक न पहली पातशाही गुरु नानक देव जी महाराज के उन्होंने अवतार दिवस के उत्ते चालू कराई है। मेरा ख्याल है भी 100-200 आदमी डेली सिर्फ धन्यवाद करना आया भी साडा यह भी एक सुपना साकार कर जा रहे हैं। हरेक धार्मिक जगह जैसे रेल गड्डियां उत्थे हरेक जगह के उत्ते बसा जड़ियाँ चलाइया पंजाब के लोग और बजुर्ग और जोड़े जरूरतमंद आदमी जोड़े पैसा बिना नहीं खर्च सकते थे उन्होंने सोचा सी हरेक आदमी चाहता भी अपने जाके जिथे विशेष तौर पर होंगे
फेथ हुंदा उत्थे जाना चाहुंदा तो यह भी तुसीं सुपना साकार कीता। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लैना क्योंकि तुहानू सारे बच्चे सुनना चाहते हैं, लेकिन लास्ट मैं गल कहांगा जिहड़े 18 नियुक्ति पत्र अज नायब तहसीलदारां नूं मिलन जा रहे हो, सो बच्चे एक गल पक्की है भी तुसीं ऑफिसर बनना, तुसीं लोगों की सेवा लई बनना। अज अगर सरकार लोगों की सेवा लई है, इत्थे विशेष कोई मंत्री नहीं है, कोई MLA नहीं, असीं लोगों की सेवा च हाजिर हैं, तुसीं भी इदां सेवा च हाजिर रहना। और दूजी गल है माल विभाग की जिहड़ी कारगुजारी है, तुसीं क्योंकि नौजवान अफसर है और जिदा मुख्यमंत्री जी कहिंदे बिना किसी सिफारिश तो बिना किसी एक पैसे तो इत्थे नियुक्ति बिना, देखो पहलियां सरकारां च असीं बड़ा चिर मैनूं लंबा अरसा पॉलिटिक्स हो गया लेकिन कभी इदां नहीं सी हुंदा। लोग पोलीटिकल पार्टियां दे MLS दे उन्हां लीडरां दे पिछे तां घूमदे हुंदे सीगे कि सानूं कोई सरकार आएगी, सानूं असीं कोई अपना बच्चा भर्ती कराना कोई सिफारिश, लेकिन इत्थे बिना सिफारिशों अज कोई भी इदां दा बंदा पंजाब च नहीं हैगा जिहड़ा मानयोग मुख्यमंत्री जी कोई सिफारिश कर सकदा। इस गल दा तां सब नूं पता हैगा। सो तुहाडा हुण इह फर्ज बनदा वी आपां माल विभाग की कारगुजारी लोगों की सेवा लई तुहानूं जिहड़ा नियुक्ति पत्र दिते जा रहे हैं, असीं तहे दिल नाल की करना साढ़े कोई बंदा पहुँचे और निराश ना जाए। जिदा हर वेले असीं साढ़े मेरे कोई कंप्लेंट पहुँचती है चाहे किसी बजुर्ग की है कितों पंजाब तो, मेरी कोशिश हुंदी है मैं अपने रेवन्यू ऑफिसर FCR साहब के विशेष ध्यान च लिया के उन्हूं हल करन दा यतन करता रहना। सो बहुत बहुत मुबारकबाद दिना और धन्नवाद करदा पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान का। बहुत जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हुण मैं कैबिनेट मिनिस्टर सरदार हरभजन सिंह जी नूं बेनती करदा कि वह 2 मिनट दे लई अपने विचार रखण। अज दे इस नियुक्ति वंड समारोह दे विच खास तौर पर पहुँचे साडे पंजाब दे सारे पंजाबियों दे हरमन प्यारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान साहब, साडे सिक्ख्या मंत्री सरदार हरजोत सिंह जी बैंस साहब, मेरे कैबिनेट के साथी जिंपा साहब, सरदार बलकार सिंह जी, अधिकारी साहबान ते नव नियुक्त हुए सारे ही उम्मीदवार, मेरे वालों तुहानू सारयां नू प्यार भरी सत श्री अकाल। अज दा ये समारोह जिवें जिंपा जी दस के ही गए कि म्युनिसिपल भवन का ना ही नियुक्ति पत्र भवन रख देना चाहिए, ये कोई अथकथनी नहीं आ क्योंकि 6-7 वारी तो सानू हो गए ने कि मैं खुद बिजली विभाग वालों इस म्युनिसिपल भवन के नियुक्ति पत्र देने वास्ते मान साहब नू बेनती जी कर चुकया सीगा। अज का दिन तुहाडे सारयां वास्ते बहुत अहम दिन इस करके बन जाता है क्योंकि जदों भी असी कोई पढ़ाई करते हैं, जदों भी असी कोई डिग्री लैने तो साडा सब तो ज़्यादा साडे माँ प्यो का साडा अपना एक उद्देश हुंदा है कि असी पढ़ के ते डिग्री दे मुताबक सानू जिहड़ा वो रुजगार मिल जाए। सो अज वो तुहाडा सुपना जिहड़ा सीगा तुहाडा सुपना अज वो पूरा होया। अज तो बाद कल तुसी एक होर सूची दे विच सीगे, बेरोज़गारां दी सूची दे विच सीगे, अज तुसी रुजगार जिहड़ा प्राप्त करके पंजाब गौरमेंट का हिस्सा बन गए। सो पंजाब गौरमेंट का हिस्सा बनन दे उत्ते मैं तुहानू सारयां नू तहे दिलों मुबारकबाद भी देना और नाल तुहाडे तों इह वी आस करदा हां कि असी सारे ही अपनी नौकरी दे नाल अपनां नूं जिहड़ी जिम्मेवारी अज सौंपी जाणी आ उस जिम्मेवारी नूं तनदेही दे नाल इमानदारी दे नाल डेडिकेशन दे नाल जिहड़ा उह निभाईए। मानयोग मुख्यमंत्री साहब, मैं तुहानूं तुहाडे ध्यान दे विच इक गल लिआउणी चाहुंदा हां कि जदों तों तुहाडी रहनुमाई दे विच पंजाब सरकार बणी आ बिजली विभाग दे विच हुण तक 4388 नियुक्ति पत्र जिहड़े ने वंडे जा चुके ने। और सर इस नियुक्ति पत्र देण दा पॉजिटिव जो फायदा ये निकलिया कि बिजली विभाग PSPCL जिहड़ा पिछले साल दे विच 1880 करोड़ घाटे दे विच सीगा, वो 564 करोड़ रुपए वाधे दे विच हो गया, मुनाफा हो गया। अज सर इहदे विच जे साडे खर्चे घटे ने ते ओह खर्चे कादे ते घटे ने, जिहड़ा असीं इंपोर्टड कोल लैंदे सीगे, जिहड़ा असीं महंगे भाअ ते बिजली खरीददे सीगे दूजियां स्टेटां तों, हाँ जी पछवाड़ा सर चला लिया, अपनी कोल माइन सीगी सर 2015 तों बंद पई सीगी तुहाडी अगवाई दे विच, इह जिहड़ा मैं समझदा कि अज तक सब तों वड्डा जिहड़ा साडा इस चीज़ तों फायदा होया। और सर
इंपलॉई कॉस्ट साड़ी कोई ज़्यादा नहीं वधी, वधी जरूर आ। पिछले सालों के असी 5558 करोड़ देंदे सीगे, इस बार असी 3868 करोड़ रुपए मुलाजमान देना शुरू कर दिता, क्योंकि कुछ नवीं नियुक्तियां हुई ने, कुछ इनक्रीमेंट वगैरह लग जाती ने। तो खर्च तो सर साडा सिर्फ जरा 300 करोड़ का वध्या, तो फायदा जरा सीगा वो साडा 2400 करोड़ का हो गया। सो सर बड़ी पॉजिटिव गल आ कि एक दो फायदे हो रहे हैं। एक तो साडे नौजवानों नू नौकरी मिल रही आ, घर घर जरा रुजगार पहुँच रहा, और दूसरा पंजाब के विभाग वख वख विभाग जिन्हों के सिख विभाग कहा जाता सीगा, घाटे वाले विभाग कहा जाता सीगा, वो विभाग भी जड़े ने वो मुनाफे दे विच जाना शुरू हो गए ने। सर जिन्ना खर्चा तुहाडी सरकार दे विच सर 600 यूनिट फ्री भी दे दिता किसानां नू, लगभग जिथे 8 घंटे कहिंदे सीगे उत्थे कोई लिमिट ही नहीं रखी, 15-15, 16-16 घंटे बत्ती चलेगी हर एक नू, इंडस्ट्री नू बिजली चलेगी, कमर्शियल चलेगी। सर इन्ना सारा कुछ होने के बावजूद भी PSPCL ने 564 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जरा वो लै लिया है, एक छोटी गल नहीं आ। सो असी जड़े सीगे सर साडे थर्मल प्लांट ने उन्हां दे विच भी असी पिछले सालों नालों ज़्यादा बिजली जड़ी आ वो पैदावार की आ। पिछले साल साढ़े को 3797 मिलियन यूनिट बिजली जड़ी थर्मल तो आई सी, इस बारी सर लगभग 4500 आ गई, पिछली बारी नालों इन्ना थर्मल दे विच वाधा हो गया। सर हाइड्रो दे विच वाधा होया, BBMB तो असी वध बिजली लई, बैंकिंग जड़ी असी साढ़े कोल वध बिजली हुंदी आ असी दूजियां स्टेटां नूं दे दिंदे आ, बैंकिंग कर दिंदे आ उहनां नाल, जदों सानूं जरूरत हुंदी आ असी उहनां तों लै लैंदे आ। सर पिछले साल 6000 सीगी, इस वारी 6800 यूनिट सर जड़ी आ मिलियन यूनिट बिजली असी बैंकिंग दे रूप दे विच सर लई आ। सो सर कई वारी शॉर्ट टर्म दे विच सानू बिजली बाहरों शॉर्ट टर्म के अचानक लोड पै गई तो अचानक ही सानू बिजली खरीदनी पै जाती है, वो बिजली जी काफ़ी महंगे भाव से मिलती है। पिछले साल सर असी 4,773 मिलियन यूनिट शॉर्ट टर्म के खरीदे सीगे, इस बार सर असी प्लानिंग कर ली तो 2,480 मिलियन यूनिट असी सिमट के रह गए। सो असी अपनी प्लानिंग पहला ही कर ली कि सानू पैडी सीजन दे विच जां किस किस सीजन दे विच बिजली जड़ी आ वो लोड़ींदी आ, असी उस हिसाब नाल प्लानिंग कीती और असी महंगी बिजली खरीदन तो जड़ा आ वो बच गए, इस करके सर ये सारा कुछ फायदा होया। सो अखीर दे विच मैं अज जिन्ने भी नव नियुक्त विभागों के 251 लगभग नियुक्ति पत्र अज दिते जा रहे ने, मैं सारयां नू दिल दीआं गहराइयां चों वधाई दिंदा होया, नाल दे नाल ये आस भी करदा कि आपां जिथे भी सानू लोक हित दे विच असी तुहाडे इंटरस्ट भी जरूर वाच करांगे, लोक हित दे ते तुहाडे तानू मुख रखदिआं आ, जिथे जिथे भी तुहाडी पोस्टिंग हुंदी आ इमानदारी दे नाल आपां उत्थे काम करना है। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी करप्शन के प्रति मान साहब की पहले दिन तो भी रही आ, अज भी उही चल रही आ, और तुसीं ते नवें आए हो, तुहाडा कोई पैसा नहीं लग रहा, जिन्नियां भी नियुक्तियां अज तक पंजाब दे विच होईआं ने सारियां मैरिट ते होईआं ने, इसे करके करप्शन भी जी बहुत तेजी नाल घट रही आ, क्योंकि तुहानू नौकरी लैन वास्ते पैसे नहीं देने पैंदे, इस करके तुसीं अगे जा के भी इमानदारी दे नाल काम करदे हो और इस तरह ही काम करते रहोगे। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। मंत्री जी ने अपने विभाग दे ते पंजाब सरकार दे उपराले तुहाडे सामने रखे ने, बहुत बहुत धन्नवाद सर। सर हुण एक एक मिनट दे लई कैंडीडेट अपने निजी तजर्बे सांझा करना चाहुंदे ने। सब तो पहला माल डिपार्टमेंट के नाल संबंधित हरनूर कौर अपनी सीट पर कोलैस दे दिओ जी। करके मैं बहुत खुशी है कि पंजाब के लोगों की सेवा करन दा इन्ना सुनहरा मौका मिल रहा है, मैं ते मेरे साथी पूरी ईमानदारी और तनदेही नाल इस अहुदे ते काम करांगे। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सर, मैरिट बेस सिलेक्शन है सर। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सर, साडा काम नंबर ना लेना कोई पैसा जा कोई नहीं नहीं सर, कोई सिफारिश नहीं, टोटली रिटन एग्जामिनेशन दे मार्क्स दे बेस्ड है सर। ते करें कोई इस तरह दी कई बारी तंगी आ जांदी है? नहीं सर, के फीस नहीं भर सकदे जा गुआंडी मेने मार लग जांदे के जा बाहरले मुल्क बारे सोचण लग जांदे?
नहीं सर, मेरा शुरू तो ही इंटरेस्ट सी कि इंडिया च ही रह के पंजाब से रह के ही लोगों की सेवा लेके। क्या बात, तारीफ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी। इन तो बाद हायर एजुकेशन दे दीक्षा शर्मा जी। मैं पंजाब दे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहनी हाँ। ये पंजाब सरकार दीयां चंगीयां नीतियां अते उपरालियां दा ही नतीजा है कि अज सानू बिना किसी रिश्वतखोरी अते बिना किसी सिफारिश तो नौकरी मिल रही है। जो सानू नौकरी मिली है वह प्योरली मैरिट बेसिस ते है, असी मेहनत की, सानू रिजल्ट मिलिया अते इस काबिलियत। थैंक यू। केड़ा केड़ा पिंड? सर मैं बठिंडा तो बिलोंग करती हूं। बठिंडा खास? हाँ जी। ओबन की का दी नौकरी मिली आज? सर ये PSSS बीच लीगल क्लर्क दी पोस्ट है। मतलब हुन मैं प्रैक्टिस कर रही थी। किन्ने पढ़ाई की थी? सर मेरी LLM चल रही है, I'm a law graduate। ऑलरेडी LLM नाल चलूगी? हाँ जी। पर ये नौकरी जेड़ी है ना, ये लास्ट नहीं, ये फर्स्ट भी नहीं। ये फर्स्ट नहीं है, बट बहुत आगे जाना है। हाँ जी। PCS अफसर बनना? हाँ जी। IAS बनना? ठीक है सर। है ना, गुड लक। थैंक यू सर। पैसे तो नहीं किसी ने ले? नहीं नहीं सर, कोई यह जा नहीं सीगा। कई बार सारे सामने दसा नहीं जाता, थोड़े जा हौली बोल के जाते, पैसे तो लेके दे। नहीं ले सर, किसी ने नहीं ले। ज्योतिया मस्तियां रहो, ज्योतिया मस्त। क्या बात, क्या इन तो बाद आही पंजाब में देखना चाहता सी, बस यह जा पंजाब में देखना चाहता सी। प्रभप्रीत सिंह PSPCL तो। अच्छा जी। मैं पंजाब के मुख्यमंत्री साहब का इतने मैनू इतने बुलाने ते बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ। केड़ा पिंड? इतने आने का मौका मिलया। केड़ा पिंड? मेरा पटियाला जिला जी। जेके पिंड केड़ा? अलीपुर वजीर साहब। अलीपुर जी, इधरले पासे पेवा साइड रहे, पेवे वाले पासे, देवीगढ़ वाले पासे जी सर। ते मैनू अज इतने बिजली बोर्ड दे विच PSPCL दे विच लैंडमैन की पोस्ट मिली है। मैं इन्दे विच कोई पैसा नहीं दिता, कोई मेरे तो किसी ने सिफारिश नहीं की करवाई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता। नहीं, जदों लैंडमैन की चिट्ठी आई जी सर, मैनू सर इन्दे बारे कल पता लगा। मेरा इस तो पहला बाहर जाने का प्लान सीगा, तो मैं कल दस दे। नहीं नहीं, इस दसण च कोई अर्ज नहीं जी सर। बाहर जाने का प्लान सी जी सर, मेरा बाहर जाने का प्लान सीगा, बहुत टाइम तो वेट करता पिया। भी उधरों वीजा लग गया? नहीं जी, जे लग जाता तो इधरों लैंडमैन की आ जाती, फिर दोनों चो किहड़ा चुनदा? ड्रॉप सीगा जी। हैं? जे मेरा इत्थे काम बन जाता तां वी उह प्लान ड्रॉप सीगा। ओ माय, मतलब बाहर जाने का प्रोग्राम हुण कैंसल? चलो परिवार च रहेगा, होर भी तरक्कियां करेगा। बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया जी। इन्हां तों बाद एक मिनट दे लई लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तों नेहा सबरवाल जी। सारे नूं मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल। सब तो पहलां तो मैं मुख्यमंत्री मान साहब जी का धन्यवाद करना चाहनी हाँ कि जिहड़ी मैनूं अज बतौर लीगल क्लर्क मैं सिलेक्ट होई हाँ, तो मैनूं ये जिहड़ी नौकरी है बिना किसी सिफारिश और बिना किसी रिश्वत तो मिली है। तो मेरे नाल नाल इत्थे सारे कैंडीडेट गवाही भरते हैं अगर इस चीज़ की कि किसी ने भी सिफारिश नहीं की या रिश्वत नहीं दी, तो एक बार हाथ खड़ा करो मेरे नाल सारे जणे। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਸਿਰਫ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਮਾਊ ਕੁੜੀ ਬਣ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪੰਜ ਨੰਬਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲ ਨਾ ਛੱਡ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਾ। ਆਪਣੀ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸੇਮ ਹੈ, ਨੋ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਨੋ ਲੋਬਿੰਗ, ਨੋ ਸਿਫਾਰਿਸ਼। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਚਾਰ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਨਾ ਨਾ, ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ ਆਇਆ, ਇਸ ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਖੁਸ਼, ਸਭ ਕੁਛ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਮੈਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਭਤੀਜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਕੋਲ ਲੈਸ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ।
मेरे वालों सारे नु प्यार भरी सत श्री अकाल जी। मैं गगनदीप कौर पिंड रौनी जिला पटियाला दी वसनीक हाँ और मैनू ये दस दो बहुत खुशी हो रही है कि मेरी सिलेक्शन पंजाब प्रदूषण रोकथाम बोर्ड दे विच होई है और उस तो भी वड्डी माण वाली गल है कि पंजाब दे मुख्यमंत्री सरदार श्री भगवंत मान साहब जी खुद अपने कीमती समय चो समा कढ़ के सानू नियुक्ति पत्र देने लिए इत्थे रूबरू होए ने और मैं इन्हां दी दिलों धन्नवादी हाँ कि तुसी सानू साडे वर्गे छोटे छोटे बच्चों साडियां उम्मीदां नू इसे तरह कि असी उन्हां उम्मीदां नू अंदर जगाई रखिए कि तुसी अपने समय नू इन्ना साडे लई कढ़िया दिलों धन्नवाद जी। असी तां इत्थे पहुंचे हाँ लेकिन साडे परिवारिक मैंबर इत्थे नहीं पहुंच सके उन्हां वल्लों भी मैं उन्हां दी हाजरी लवाना चाहांगी। अज फिर शाम नू जलेबियां जरूर सर कड़ाही चढ़ूगी अज हाँ जी सर सर मैं उन्हां वल्लों भी हाजरी लवाना चाहांगी क्योंकि वह इत्थे नहीं पहुंच सके बट वह दिलों यही दुआ करदे आ कि तुहाडी सेहत तुहाडी तंदरुस्ती इसे तरह बरकरार रहे पंजाब दे कम्मां नूं करन दी फुरती तुहाडी इसे तरह बरकरार रखे तुहाडे उपरालियां दे सदका अज सानूं रुजगार मिल रहे ने जिहड़े साडे कदे सुपने सुपने ही सी अज सुपने पूरे हो गए ने वह सिर्फ तुहाडे सदका सर तुहाडी ईमानदारी तुहाडी ईमानदारी दे सदका तुहाडी ईमानदारी तो सीध लै के असी भी अगे करप्शन फ्री सिस्टम नूं बनाउण दे विच तुहाडा साथ देंगे क्योंकि करप्शन फ्री सिस्टम दे विच काम करन लई करप्शन फ्री सरकार दा होना बहुत जरूरी हुंदा आ सर क्योंकि असी उपरों ऑर्डरस फॉलो करने हुंदे अगर उही करप्शन फ्री होणगे तां असी फ्रीली काम करांगे और असी सर दिलों धन्नवाद करदे हाँ। मैं अपनी गल नूं ज़्यादा लंबा नहीं खिंचदी हुई तुहाडा फिर तो धन्नवाद करदी हाँ और तुसी अपने इन्हां उपरालियां नूं इसे तरह जारी रखियो और सानू ये खुशियां दिंदे रहो साडे घरां दे विच खुशियां हमेशा इसे तरह बरकरार रहन तुहाडा ते तुहाडे मंत्री मंडल दा सारयां दा धन्नवाद वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स विच इदां ही काम करदे रहन और असी तुहाडे तो कुछ सीख रहे हाँ सर असी मतलब हाले शुरुआत कर रहे हाँ लेकिन जिंदगी तुहाडे तो सीखते सीखते इदां ही अगे वधना चाहुंदे हाँ तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद सर। होर बलवाद बोली जाण दे इहनां नूं अज दिन इहनां दा जो भी कोई बोलना चाहुंदा बोल माइक लाओ क्योंकि पता की है रोकूगा वह जिहड़ा किसी गल्लों काणा होगा। हाँ जी सर हाँ जी यार किते आ ना दस दे किते ओ ना दस दे जदों सीधा कोरे कागज वांगू साफ ही हाँ जिहड़ा मर्जी बोलो बह जा पैणे बह जा आ माइक दे होर बोल बोल चरणप्रीत की पता क्या पता किस बेस में नारायण मिल जाए की पता रब केड़िया रंगा च राजी की पता केड़े भेस च फिरदा होवे किसी बंदे ने कोई एड्डी वड्डी गल कह दी होवे जिहड़ी सानू जिंदगी च काम आ जाए। हाँ जी बोलो सत श्री अकाल सर। बोलो सत श्री अकाल जी सर मेरी जिहड़ी तुसीं गल कही हैगी है मेरा लास्ट टाइम सर इदां ही ना जेई दे विच सिलेक्शन नहीं हो पाई। अच्छा ते सर मेरा ना केड़ा पिंड मेरा लुधियाने तों मैं खास खास हाँ जी हाँ जी हाँ जी लास्ट टाइम काम नहीं लास्ट टाइम मेरा काम नहीं बन पाया सर उस तों बाद मैं जेडीएम भी टॉप किया हुण अज ड्राफ्टमैन लगन जा रहे हां। अच्छा हाँ जी वाह 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 ते फिर लास्ट टाइम दे फेलियर नूं जी जी दिल ते ला गया सर ये एक्चुअली होया कि जी मैनू ना 900 भर्तियां सीगियां सर उच सर इहदे विच 90 भर्तियां सीगियां सर मैनू पता सीगा मैं जनरल कैटेगरी दा बंदा जे मैं टॉप करूंगा मैं ताही आऊंगा फिर सर बहुत मेहनत की ते अज हुण इत्थे पहुंचे हैगा तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद करदा टॉप कीता फिर हां नहीं सर इहदे विच मेरा 17वां रैंक है जी 90 चो हां जी हां जी क्या बात बहुत बहुत धन्नवाद सर तुहाडा बहुत 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 अच्छा होर कोई बोलना चाहुंदा बोलो बोलो कोई नहीं अज मेरा अज मैं तो रोज ही बोलता रहना मेरी प्यार भरी सत श्रीकाल सारे माइक थोड़े हाँ जी सर ये मेरी थर्ड नौकरी है इस तो पहला मैं वाटर सप्लाई च एज ए जेई सिलेक्शन जून महीने मेरी हुई सी सर हूँ मेरी ये दूसरी नौकरी है इस तो पहला मेरा एक जेडीएम का भी पेपर क्लीयर होया सीगा सर अच्छा ये उस तो बड़ी नौकरी है नहीं सर ग्रेड दोवे सेम है जेई भी बी ग्रेड सीगा ड्राफ्टमैन भी बी ग्रेड है मतलब ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਚੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਐਜ ਏ ਜਾਈ ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸਰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੱਸਦੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਬੇਬੇ ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਖੁਸ਼ ਸਰ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਚੱਲ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜੋ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਵਾ
SSSB जो कि साडा अधीन सेवावां चोन बोर्ड है सर, अज तक तुहाडी सरकार तो पहला इन्होंने कभी भी जिहड़ी अपनी डेटशीट जारी नहीं हुई सी, सो तुहाडे आन तो बाद पहली बार डेटशीट जारी हुई सर। SSSB ने सर जो तुहाडी सरकार तो पहला कभी अपनी डेटशीट नहीं आई सी एग्जाम्स दी। SSB दा सेम है, इन्होंने किन्ना ने SSB तो उही है सेम है, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸੀਗੇ ਜੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਸੋ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਵੀ ਆਈ ਤੇ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੇਪਰ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਜਿੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹੀ ਭਰਨਗੇ ਕਿ ਜੋ ਡੇਟ ਇਸ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਉਸ ਡੇਟ ਤੇ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਆ। ਤੇ ਸਰ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਇਸ ਵਾਰ ਫਾਸਟ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਫਾਸਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਅਤੇ ਸਰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ JDM ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ, ਦੂਜਾ ਸਰ ਮੇਰਾ JEE ਦਾ, ਸਰ ਤੀਜਾ ਮੇਰਾ DM ਦਾ। ਸਰ ਸਰ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਜੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਜੀ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੀਜੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸਰ DM ਦੀ। ਅਤੇ ਸਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਰ, ਪਰਸੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੈ ਸਰ। ਮੇਰੇ ਸਰ ਘਰ ਦੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਰ ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਸਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀਗਾ ਸਰ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਇੱਥੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਬਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਅੰਨੀ ਲੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਘਰੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਕਾਰਡ, ਆਪਾਂ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਅੰਨੀ ਲੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਵਾਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਬਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰੂਗੀ, ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਪੈੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਦੋ ਮਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਕ। ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੀ GNU ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹਾਂ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ, ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਸਰ ਜੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪੋਸਟ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸੀਗੇ ਸਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਥ �ਕਲਾਸ ਸੀ ਸਰ, ਚੌਕੀਦਾਰ, ਬੇਲਦਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ ਬੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵੱਡਾ ਹਾਂ ਸਰ ਅਫਸਰ ਬਣੇ। ਪਰ ਸਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2021 'ਚ GNU 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ JEE ਦੀ ਪੋਸਟ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟੋਪ ਵੀ 3rd ਰੈਂਕ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ। ਪਰ ਸਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡੇਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਡੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡੇਟ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਸਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਸਰ ਘਰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਨਹੀਂ 21 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਟ 21 'ਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਡਿਗਰੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਹੈਪਨ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਹੈਪਨ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਢੋ ਫਿਰ, ਇਹਦੇ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੈਡ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਨੋ ਨੋ ਨੋ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਹੈਪਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ
इन्नी तरीक तक डिग्री च आप तो डिग्रियां जिंदगी कदे लईयां नहीं उन्होंने, उन्होंने की पता किन्नी तरीक नूं डिग्री मिलती होंगी है। कढ़ो पुरानियां सारियां कढ़ो और रिवाइव करो उन्होंने, इहदे वर्गे हज़ारां मुंडे होणगे। सर ड्राफ्ट मैन मेरा कैटेगरी च फस्ट रैंक टॉप कीता है। वाह वाह। नहीं नहीं कोई नहीं कोई नहीं, सानू एक आ देखो ना बोलन चो अच्छी गल पता लग गई कि उन्होंने कोई इदा का बनाता रूल इन्नी तरीक तक डिग्री पूरी होनी चाहिए। शायद उन्होंने अपनी मुख्यमंत्री वाली डेट ही रख ली होनी भी जिन्हें तक मैं मुख्यमंत्री उन्हें चर्च होनी चाहिए है। ऐ थोड़ी होंगे यार कोई गल है। नहीं नहीं कोई नहीं, बहुत बहुत मुबारक मम्मी पापा भी। थैंक यू सर, थोड़ा अच्छा अफसर बन के, अच्छा अफसर बन के जाओ। ओके थैंक यू। सर सर मेरा नाम कोमल है, मैं दुगाल पिंड तो हाँ। दुगाल पिंड सर दुगाल। अच्छा हाँ जी। दिड़बे ते पातला दे बचाले। हाँ जी। ते मैं मेरी पुआ दी कुड़ी बैठी हुई। हाँ जी, इसीलिए मैं गल कर रही हूँ। मेरी पुआ दी कुड़ी उत्थे बैठी हुई। मैं मैनू जदों दा पता लगे भी तुसी ज्वाइनिंग लैटर देण आने हो, मैनू उदों दा ही शौक सी, मैं ये गल शेयर करा थोड़े नाल। नहीं तो मैनू भी पता ना। हाँ जी बैठी तो असी हुई है ना। कई बार ऐदा भुलेखा हो जाता शायद मुख्यमंत्री बन के अपनी रिश्तेदारियां भुल गया होगा। खुश हो अज होर भी ज्यादा खुशी हो रही है कि मैनू जॉब भी थोड़े हाथों मिल रही है। परमात्मा की पता है, की पता रब केड़े रंगा च राजी। ये परमात्मा ये जो रब है ये एड्डी वड्डी कुदरत है कि भिखारियों के सिर ते ताज टका दिंदा है और राजियां नूं भीख मंगण ला दिंदा है। ये वक्त बहुत वड्डी चीज़। जिद्दां सर तुसीं कहा भी मेरा परिवार है पंजाब, मेरे फादर नहीं हैगे सर, ते हुण इदां ही लगदा कि तुसीं अमन दी भरां दे रिश्तेदार नहीं, साडे भी अपने हो तुसीं। अपने। हाँ जी। और मैनूं मैं इस गल दसदिआं खुशी हो रही है, मैनूं अद्धिआं तों वध पंजाब बाई जी कह के बुलाउंदा। बाई जी हुंदा बड़ा भाई, मालवी की बोली है बाई जी, बड़ा भाई है ना। जो तुसीं मुख्यमंत्री नूं बाई जी कहिंदे होवो इहदा मतलब तुहाडा अपना हो, इहदा मतलब उह तुहाडा तुसीं उहनूं अपना समझ रहे। सो साडे घर बहुत प्रॉब्लम सीगी ते हुण जॉब मिल रही है तां सारे बहुत खुश ने, ते उस तों वध मैं खुश हां कि मैनूं तुहाडे तों जॉब कबीलदारी ली ते आ जाऊगी। हां जी थैंक यू सर, बहुत बहुत मुबारक। ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਦੂ ਵੱਡੀ ਲੈਣੀ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਔਰ ਚੂੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਹਜੇ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚੂੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਹੋਰ ਬਈ ਇੱਧਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਾਂ, ਇੱਧਰਲਾ ਪਾਸਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ? ਐਵੇਂ ਡਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਰ ਮੈਂ ਰਸ਼ਮੀ ਹੂੰ ਔਰ ਮੁਝੇ ਯੇ ਮੇਰੀ ਫਸਟ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਂ ਯੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੀ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੇ ਹੂੰ ਸਰ ਮੈਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪਲੋਈ ਹੈ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਮੇਂ। ਅੱਛਾ। ਆਜ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਵੋ ਘਰ ਪੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪ ਕੋ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੋ ਆਪਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਔਰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ? सर इतने खुश है कि सुबह पापा दोस्तों से बातें कर रहे कि हाँ मेरी छोटी बेटी दी लग रही है, ते सर मेरे को भी इतना प्राउड मोमेंट फील हो रहा है। कोई अब रिश्वत नहीं है सर, मैंने तैयारी करी 2021 के पास आउट हूँ। अच्छा, मैंने सोचा रिश्वत की तैयारी करी। 2021 कोई यहाँ रिश्वत नहीं है, मैंने तैयारी की थी, कॉमा होता है बेटा इसमें। सर 21 की मैं पास आउट हूँ डिप्लोमा, और फिर मैंने तैयारी करी साथ साथ, और मैं डिग्री कर रही हूँ अभी, मेरी चल रही है। हाँ, अच्छा, साथ साथ और साथ साथ में मेरी डिग्री भी आगे आगे बढ़ेगी। हाँ जी, PCS तक आई है। जैसे आप कहते हो ये पहली नौकरी और आखिरी नौकरी नहीं, आखिरी नौकरी नहीं है सर, SDO लगना है ते सर और भी। हाँ जी, हाँ जी सर जरूर। बहुत अच्छा। सत श्री अकाल जी, मैं अमरप्रीत सिंह पिंड पैणी आनंदपुर साहब तो बिलोंग करदा जी। पहले तो मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता कि तुसी आप अपना कीमती समा कढ़ के इत्थे सारे जने सानू नियुक्ति पत्र देन आए हो। तो इत्थे मैं ये भी कहना चाहता है कि थोड़ी मजाक वाली गल भी हो सकती है कि सानू पूरी
जो भी प्रोसैस हुई उस दौरान सिर्फ दो फोन आए। पहला फोन आया कि अज थोड़ी डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन है, दूजा फोन आया कि अज थोड़ा नियुक्ति पत्र मिल रहा। क्या बात, तो बहुत खुशी वाली गल है जी, सारा परिवार खुशी है जी। बस चढ़ती कला जी रखियो जी थोड़े परमात्मा परमात्मा। हेलो सर, तुहाडा धन्नवाद इत्थे आने लई। मैं तुहानूं इह कहना चाहुंदी हां कि मैं उस परिवार चों आं जिथे, उस पिंड चों आं जिथे कोई कुड़ी ने बीटेक नहीं कीती, किसे मुंडे ने नहीं कीती। अच्छा, ते मेरे फादर खरड़ हलके च है सर। नहीं, इह तां फिर चंडीगढ़ दे बिलकुल नाल ही हो गया। बिल्कुल सर। तो फिर इत्थे इह जिहा पिंड वी है कि किसे ने बीटेक ही नहीं कीती। बिल्कुल सर। कारण? क्योंकि लोगों को लगता सी इन्ना पढ़ावांगे पैसा लगावांगे तो गवर्नमेंट जॉब तो है ही नहीं, क्योंकि सिफारिश वाले बंदे नूं नौकरी है। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ? ਸੰਗਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਿਆਤ ਬਾਰਾ ਚਫਲਾਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨੇ ਕਰੜ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬੱਚੇ? ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀਟੈਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਬੀਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਿੰਨੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੇ CSE 'ਚ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸਿਵਲ 'ਚ, ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ ਮਾਹੌਲ? ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੀਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਸਭ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹ ਲੂੰਗਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫੋਟੋ ਕਰੀ ਇਸ ਵੈਰੀ ਟੱਚਿੰਗ, ਵੈਰੀ ਟੱਚਿੰਗ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੀ ਕਿ ਪੁੱਤ ਜੰਮਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਧੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਾਬਾ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਗਾਨੇ ਘਰੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ। ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ 'ਚ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਆਇਆ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਅਮਕਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਬੈਠੇ, ਡਾਕਟਰ ਭਗਵੰਤ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਛੱਡ ਪਰੇ ਫਲਾਨਾ ਅਤੇ ਅਮਕਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਰਟਿਸਟ, ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਤ ਯਕੀਨ ਕਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੀ ਲਕੀਰੋਂ ਪਰ, ਨਸੀਬ ਤੋਂ ਉਨਕਾ ਵੀ ਹੋਤਾ ਜਿਨਕੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲੂ?